देखो मालकिन, मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो, प्लीज़ हेल्प कर दो मेरी। कविता, इसमें मैं क्या करूँ? अगर तेरे को पेन हो रहा है तो तू हॉस्पिटल जाएगी, मैं कैसे छोड़ूँ बता तेरे को? आपके पास गाड़ियाँ हैं, आपके पास इतने कार है, आप किसी से भी छोड़ सकते हो। तो ये गाड़ी तेरे लिए आएगी? तू क्या सोचती, तू एक नौकरानी, तेरे को मैं इस गाड़ी में छोड़ दूँ? कविता नौकरानी है, नौकरानी बन के रहे, इतनी महंगी मेरी गाड़ी, उसमें इतनी महंगी एक्सेसरी लगवाई मैंने, इतना पैसा खर्च करा, और तेरे को ले जाऊँ, सारी मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी। देखो मालकिन, मुझे अभी प्रेगनेंसी की हालत में ना मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, और प्लीज आप मना मत करना, मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो प्लीज। देख कविता, मैं तेरे को हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकती, नौकरानी है, नौकरानी की हैसियत से रह, मालकिन मत बन, मालकिन बनने के सपने मत देख यहाँ पे तू। देखो मालकिन, ये भेदभाव कर रहे हो आप मेरे साथ, ये भेदभाव तो आपने तब नहीं किया जब मैंने आपको खाना बना के खिलाती थी, आपको पैर दबाती थी, आपको कपड़े धोती थी, सारा काम किया मैंने आपके घर में, तब तो आपने कोई भेदभाव नहीं किया मेरे साथ। और कुछ नहीं करूंगी मैं तेरे लिए, कुछ भी सपने मत देख बड़े बड़े कि मैं तेरे लिए कुछ और कर दूंगी। ये पकड़ 500 रुपए। मालकिन मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं पैसे नहीं ले सकती, आपकी हेल्प की जरूरत है मुझे, आप मुझे एक लेडीज हो के आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, तभी तो तुझे ये 500 रुपए दे रही हूँ, अगर नहीं समझती तो देती तेरे को। इस टाइम प्रेगनेंसी की हालत में कोई भी हेल्प करना चाहेगा, आप इस सिचुएशन में मुझे ऐसे बोल रहे हो। तो पैसे ले, बैटरी वाला कर, हॉस्पिटल चली जा, अपने पति का ज्यादा से ज्यादा नंबर मेरे को दे जा, मैं उसको फोन करके वहाँ भेज देती हूँ, तू पहुँच इधर से उधर से, वो पहुँच जाएगा, हो जाएगा तेरे काम वहाँ जाके, मैं तो नहीं जा सकती ना तेरे साथ। मान में देखो, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? कह तो रही हूँ तू जा हॉस्पिटल, अरे कुछ हो जाएगा तेरे को, गिर जाएगी तो बच्चे को कुछ हो जाएगा, समझ मेरी बात को। तो तबियत खराब हो रखी है, तो इनको तो ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हाँ, तो इसको बोल तो रही हूँ कि ये पैसे दे रही हूँ, हॉस्पिटल चली जा, बैटरी वाला रिक्शा करके इसके पति को भेजती हूँ मैं वहाँ। अरे आंटी, ये हॉस्पिटल ऐसे ई रिक्शे में नहीं जा सकती, इनको तो कोई कैब या फिर कार वगैरह चाहिए होगी। पहले तो ये बता तू है कौन जो बीच में आके हीरो बन रहा है, जानता है तू इसको या मेरे को? मैं तो नहीं जानती तेरे को। अरे आंटी, आप नाराज क्यों हो रहे हो? अभी इनको इस टाइम पे ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है, ये बात हम बाद में कर लेंगे। दे तो रही हूँ पैसे, जाए हॉस्पिटल। आंटी 500 रुपए से क्या होता है, कैब कर दो इनको, या तो फिर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी में बिठा के ले जाओ ना इनको। मुझे क्या लगता है इतनी महंगी गाड़ी ऐसे आ जाती है, पैसा लगता है इस पे, इतनी महंगी गाड़ी में इसको लेके जाओ, मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी अंदर से। आंटी गाड़ी की आपको पड़ी हुई है, आपको दूसरे इंसान के जिंदगी का कुछ भी नहीं है, इसको भी कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? ओए ज्यादा हीरो मत बन, इतना तेरे को दुख दर्द लग रहा है ना इसका, तेरे पे गाड़ी है तो ले जा अपनी गाड़ी में उठा के। लेकिन आंटी, एक फीमेल एक दूसरी फीमेल के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होती है, तो अदरवाइज मैं तो ले ही जाऊंगा। तो मैं जितनी कंफर्टेबल इसके साथ हूँ उतनी मैं इसकी कर रही हूँ, पैसे दे रही हूँ ना इसको कि जाके चली जाए। वैसे आपकी लगती कौन है? मेरे घर में मेड है। आंटी आपके घर की मेड है? हाँ। तो मेड तो बहुत 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 ज्यादा हेल्प करती है अपनी मालिक को और मालकिन को पूरी जिंदगी भर, और ऐसे टाइम पे आप इनकी हेल्प नहीं कर रहे हो? पूरी कीमत देती हूँ जो ये काम करती है, उससे ज्यादा आगे पीछे आके अपने घर के रोने रोती है ना, तो उसमें भी ले आज 500 ले जा, आज 1000 ले जा, और क्या करूँ आंटी? आप सिर पे चढ़ जाएगी उंगली, पकड़ाई तो हाथ पकड़ के बैठ गई है तो मेरा पूरा। अरे आंटी, आपको क्या लगता है कि सब कुछ पैसा ही होता है? और खैर अभी मेरे को इस पर कोई बात नहीं करनी, अभी आप इनको देख रहे हो, इनका फेस पूरी तरह से ना उतरा हुआ है, इनको पेन हो रहा है, इनको जल्दी से लेके चलो। नहीं लेके जा सकती गाड़ी में, बैटरी के पैसे दे रही हूँ, उस पे जाए और चली जाए ना, मैं जा सकती उस अस्पतालों में धक्के खाने, ठीक है? ज्यादा हमदर्द बन रहा है ना, ले जाए इसको हॉस्पिटल तू ही। मम्मा हीरो बन के आ गया बीच में। मम्मा क्या कर रहे हो आप? क्या कर रही हूँ बोल, सबक सिखा रही हूँ इनको। मम्मा पता भी है कौन है ये? मुझे नहीं पता करना कौन है, बीच में आके टपक गया, हम आपस में बात कर रहे हैं, आके हीरो बन गया। मम्मा इनके ऑफिस में मैं जॉब करती हूँ। आपको क्या कर रहे हो मम्मा ये आप? क्या हो गया आंटी जी, अचानक से आपके फेस से फ्यूज से कैसे उड़ गए? माना कि आपके घर में मेड है और आपकी बेटी मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉई, मतलब नौकर तो एक जैसे होते हैं ना, आपकी बेटी पढ़ लिख गई थी इसलिए मेरी कंपनी में जॉब कर रही है, ये बेचारी पढ़ लिख नहीं पाई इसलिए आपके घर में जॉब कर रही है, लेकिन जॉब तो जॉब ही होती है ना। खैर आपने तो फ़र्क बता ही दिया है कि आप मालकिन हो और ये नौकर, तो लगता है अब मुझे भी फ़र्क बता ही देना चाहिए कि आपकी बेटी सिर्फ एक नौकर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मधु कल से जॉब पे मत आना।
सॉरी सर, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? सॉरी बेटा, सॉरी, मेरे से गलती हो गई। आप इसको जॉब से, मतलब मम्मा ने गलत किया, बट मैंने क्या किया आपके साथ? एग्जैक्टली यार, इसको बेटा जॉब से मत निकालो। पता है इसकी सैलरी से हमारी गाड़ी की EMI आती जाती है, घर का खर्चा चलता है, कैसे हम करेंगे? क्या हम दोनों ही हैं? अब ये मजबूरी समझ आई ना कि इसकी सैलरी से आपकी गाड़ी की EMI जाती है, और अभी तो आप बोल रहे थे कि इसको गाड़ी में बिठाने से आपकी गाड़ी की सीट गंदी हो जाएगी। गलती हो गई बेटा मेरे से। सिर्फ इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि इंसान ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से बंधा हुआ है। कोई आपके यहाँ जॉब कर रहा है तो आप किसी के यहाँ। तुम्हें मैं सबसे पहले हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, वो भी अपनी कार में। सर ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज सर। मामा क्या किया आपने? गलती हो गई बेटा। सर ऐसा नहीं कर सकते। माफ कर दो हमारे को। जॉब से नहीं निकाल सकते सर। माफ कर दो बेटा। सर मामा क्या किया आपने? आई एम सॉरी, और ये आपको पहले सोचना चाहिए था। लेकिन हाँ, इससे एक बात तो समझ आती है कि आज के बाद दोबारा कभी किसी मेड के साथ नहीं करूंगी, नहीं करूंगी बेटा, सॉरी, नहीं करूंगी। इसको जॉब से मत निकाल मेरा बेटा। लेकिन एक महीने के लिए टर्मिनेट तो कर ही सकते हैं, जिससे तुम्हें भी पता चले कि मजबूरी क्या चीज होती है।